बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद जी। एक खूबसूरत ब्रीडर सेटअप पे हाज़िर हुए हैं और कुछ कबूतरों का शौक आपको कराएंगे। और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट करें। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ताकि काम की बात आपसे की जाए, आपको काम के बर्ड्स दिखाए जाएँ। अच्छे कबूतर, अच्छे टैटी कबूतर किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको और बल्कि दिखाएंगे, शौक भी कराएंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई, क्या दिखा रहे हैं हमारे दोस्तों को? टैटी कबूतर आपको दिखा रहे हैं जी। जी, ये नारे मादी हैं? ये नारे नारे हैं। आइए तो चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो डॉट था इसका, जितना छोटा हो उतना बेहतर होता है, जितना बड़ा हो उतना बेहतर होता है? जितना ब्रीक होगा उतना बेहतर होता है। और ये वक्त के साथ साथ खुद ही, मतलब जैसे रात पड़ती रहती है तो ये फैलता जाता है डॉट? हाँ जी, ये देखिए ना, ये छोटा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है। इस चीज़ का कि जितना बारीक होगा उतना अच्छा है कबूतर। अकलमंदी की निशानी है इसकी कबूतर, गहराई में उड़ता है कबूतर। सही से, यानी सियान पने की निशानी कहा जाता है, अगर कहा तो गलत नहीं है। नौवां और दसवां पर एक जैसा है, चेक कर दोस्तों, माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। दुम का शौक है दोस्तों, देखिए एक दुम है ये, जी सर भाई ये फीमेल है। नहीं जी, फीमेल का एक चेक करें, जैसे मेरी सेम लंबी लोग का है, फीमेल भी है। तो भाई इसके बारे में बताएं कुछ। भाई घर की ब्रीड है ये, हमने कई सालों से चली आ रही है। अगर कहा जाए कि ये आपकी सारी मेहनत का निचोड़ है तो गलत नहीं होगा, ऐसा ही है? हाँ जी, इसमें काफ़ी काफ़ी और भी अच्छे परिंदे हैं हमारे। सातवां आ रहा है इसका, ये दोबारा साफ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सही सही, दोनों चेक करेंगे। पंजों को शौक भी कराइएगा इसका। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जिंदाबाद।